ठीक है, गौर करना। ओम ज्ञानतिमिरां दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदत्तये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रीयाद्वैतगदाधर श्रीवासादि सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता सभी को चरणों में मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग श्रवण करेंगे। पहले हम लोग ने श्रवण किया था ये गोपियाँ कैसे कृष्ण कथा की महिमा को गान कर रही, इसलिए वो ऐसे गोपियों ने ऐसे एक एक श्लोक को उच्चारण की है जो एक श्लोक में दो अर्थ है। बोले एक तो उनका प्रशंसा में एक तरफ में प्रशंसा करते हैं और दूसरे तरफ में कृष्ण को उलाहना देते हैं। कृष्ण को उलाहना देते हैं, उलाहना समझती हो तो जिसको बेजस होती ऊपर लगता है जैसे कृष्ण कथा को निंदा कर रहे हैं लेकिन अंदर में निंदा नहीं, अंदर में वो प्रशंसा बोलते हैं। इसलिए एक अनुकूल रूप में और एक प्रतिकूल रूप में एक एक शब्द को उन्होंने दो दो अर्थ बताया। फिर ऐसे साधारण व्यक्ति श्लोक बोल नहीं सकता है क्योंकि यद्यपि लगता है ब्रज गोपियाँ अनपढ़ है, पढ़े नहीं, स्कूल गए नहीं, लिखा पढ़ा की नहीं, लेकिन हृदय में जब भगवत भक्ति हृदय में उदित होता है तब जो शुद्धा सरस होती अपने आप उनके जीवा में प्रकटित हो जाता है और वो जो बोलते हैं वही हो जाता है शास्त्र है। इसलिए महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बोले हरिदास मेरे तुम वंदना करो। बोले प्रभु हम स्कूल गया ही नहीं, अनपढ़ हूँ। भगवान ध्रुव महाराज जी को बोले ध्रुव जी तुम स्तुति करो। बोले प्रभु हम तो पढ़ने लिखा पढ़ा गए नहीं, 5 साल उम्र भजन के लिए आ गया। बोले तुम जो कुछ बोलोगे वही मेरी स्तुति हो। इसलिए जब कोई व्यक्ति 24 घंटा भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के नाम करते हैं, भगवान की कीर्तन करते हैं ना, कहते उनका सारी इंद्रियां अप्रासिद्ध बन जाता है, दिव्य बन जाती है। इसलिए वो जो कुछ बोलते हैं ना, वो जो कुछ बोलते हैं मानो उनको जिह्वा पर सरस्वती बैठ जाती है। जो बोलते वही शास्त्र हो जाता है, वही शास्त्र हो जाता था। इसलिए हमारी मंदिर में एक बाबा रहते थे, वो गांव के एकदम गंवार एकदम अनपढ़ लेकिन वो मंदिर में सारा दिन ठाकुर को सेवा करते थे। अगर उनको सेवा जो सेवा वो करते हैं ठाकुर के जैसे रोज ठाकुर का बर्तन मलते थे, पूजा की रोज मंदिर साफ करते थे, हैं रोज बैठ करके सब्जियां मैया करते थे, सबका आरती देते थे, अगर उनको सेवा कोई कर लिया ना बस वो लड़ पड़ते थे, उनका साथ में लड़ जाते थे, मेरे सेवा तुमने क्यों करोगे। अगर मंदिर को कोई साफ कर देगा बोले तुमने क्या, मैं 2 बार करूँगा, मैं 2 बार सेवा करूँगा। बोले सवेरे
जब नाश्ता का समय हो जाता है, जल खबर का समय हो जाता है, कहते जब तक हम अपना प्रभु जी को कुछ सेवा नहीं करेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों? हम अपना स्वामी की कुछ सेवा ही नहीं किया, फिर मैं उनका चीज को ग्रहण कैसे कर सकता हूँ, भोजन कैसे कर सकता हूँ? पहले उनकी सेवा करके फिर उसके बाद में हम कोई चीज को हम ग्रहण करेंगे, है? मतलब ऐसे, इसलिए जो बोलते थे वो जो बोलते थे वही शास्त्र है, जो बोलते थे वही शास्त्र है। इसलिए गोपियां लगता है गवा रहे, अनपढ़ है, बोले कोई मास्त्रिया बनचरी व्यभिचार दुष्टा। इसलिए उद्धव जी कहते हैं कहां ये गांव के रहने वाले, कहां कंडा बिनने वाली, कहां दधि मंथन करने वाली, हाँ हर समय अपवित्र रहने वाली। लेकिन देखो जिनके वंदना वेद पुराण उपनिषद श्रुतियां जिनकी वंदना करती हैं, हाँ जिनकी वंदना करती है ये गोपियों की, इसलिए वो जो कुछ बोल देती हैं, जिनके कण कण में भगवान बैठ जाए वो जो कुछ बोलेगा वही शास्त्र बन जाती है। इसलिए गोपियों ने जो उन्होंने इस श्लोक उन्होंने बताया, हमारे टीकाकारों ने इसकी बड़ी सुंदर सुंदर टीकाकारों ने अर्थ बताया। इसलिए आज हम एक एक शब्द को पढ़ पढ़ करके आपको मैं सुनाने के लिए कोशिश करूंगा। भले तब कथा अमृतम तप्त जीवन कभी वीरीतम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन तिते भूविदायनम। गोपियां कहती है सत हे श्याम सुंदर, तुम्हारी विरह में ना हम मरने वाले हैं, तुम्हारी विरह में हम मरने वाले हैं श्याम सुंदर, क्योंकि यमुना किनारे में बैठ करके कृष्ण विरह में ये भजन को गा रहे हैं। लेकिन किंतु सुकृति गण तुम्हारे कथा मृत पान कर रहे, हम मरण के वंचित करिया छे। इसलिए कहते श्याम सुंदर हम तो तुम्हारी विरह में मरने वाले, लेकिन तुम्हारी जो सुकृति भगवान की कथा को जो बोलते हैं कौन है? साधारण व्यक्ति भगवत कथा को नहीं बोल सकते हैं, हैं? जिनके करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ हो, सुकृति हो, वही तुम्हारी कथा को बोल सकते हैं, हैं? नहीं तो साधारण लोग तो दुनिया की सारा जीवन की बकवास करते रहेंगे, उसकी बेटी कैसे कर दी, उसकी बहू की ऐसे हो गया, उसकी छोरा के घर में ऐसे हो गया, उसका घर में लड़ाई झगड़ा, बैठ करके दुनिया की बात करते हैं। किसको बोलो भगवान की कथा बोलो मुंह से निकलेगा? जो दुनिया की बात बोलो चुगली दिन भर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कृष्ण कथा को कौन बोल सकते हैं? सुकृति बाप, वही भगवत कथा को वही बोल सकते हैं। इसलिए तुम्हारी कथा सुना करके ना तुम्हारी विरह में तो हम मरने वाले हैं, तुम्हारी विरह में, लेकिन तुम्हारी जो कथा किया है बोले तब कथा अमृतम, तुम्हारी कथा अमृत है, जो एक बार तुम्हारी कथा सुनेगा ना वो मरेगा नहीं। इसलिए गोपियां कह रही हैं बोले तुम्हारी विरह तो हम मर जाते, लेकिन सुकृति गण तुम्हारी कथा हमें सुना सुना करके हमें अमर कर दिया, तो कथा जो सुनेगा वो मरेगा नहीं। इसलिए तप्त जीवनम कहते हमारी हमारी अवस्था क्या है तुम्हारी विरह में, हाँ? इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते कृष्ण विरह में जो तड़पण है, बोले पीड़ा भी नवकाल कुटता गर्भस्य निर्वासनम, मतलब कृष्ण विरह में इतने ज्वाला, इतना कृष्ण विरह में इतना विरह है जैसे नया जैसे जहर, कालकुट जहर से भी ज्यादा कृष्ण विरह में ताप है, हाँ ताप है। लेकिन तुम्हारी कथा ही श्रवण करके हम मर जाते, लेकिन तुम्हारी कथा सुन लिया इसलिए हम मर नहीं रहे। तुम्हारी कथा कैसे
बोले स्वर्ग अमृत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारी कथा, स्वर्ग अमृत से भी। बोले कैसे? कि वैष्णव गण के द्वारा तुम्हारी जो कथा है, तुम्हारी कथाओं को वैष्णव हर समय तुम्हारी कथा को गान करते हैं। अगर तुम्हारी कथा को कोई सुन ले, हाँ, तुम्हारी कथा कोई सुन ले, कहते स्वर्ग में जो अमृत, सारा दुनिया जानते हैं अमृत कहाँ रहता है, बोले स्वर्ग में अमृत रहता है। लेकिन तुम्हारी जो कथा सुन लेना जिसको सामने, वो स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ बन जाते हैं। कहते कलमा सा अपहम, तुम्हारी कथा सुनने से क्या होता है? बोले कलमा सा मतलब होता है पाप। कहते काम एवं काम्य कर्म विनाष्ट करे, तुम्हारी जो कथा है, जितने कर्म हैं भगवान की कथा ऐसे है, सारे कर्म को बंधन को नष्ट कर देता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं हमने जो कर्म किया है, जैसे प्रारब्ध तो पहले जो कर्म किया, अप्रारब्ध मतलब अभी जो कर्म को भोग करना है, बोले बीज कूट जो अंदर में वासना रूप में विद्यमान है, लेकिन कहते हैं इसको नष्ट करना बड़ा कठिन है। कहते यहाँ तक भी जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, हैं, वो भी अपना कर्म फल को नष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारी जो कथा सुनते हैं, तुम्हारी जो नाम जप करते हैं, तुम्हारे जो भजन करते हैं ना, तुम्हारी भक्ति की इतने शक्ति, भक्ति में केवल भगवान का भक्ति ही तुम्हारी ये सारे पाप को यही नष्ट कर सकता है। देखो अजामिल कितना पाप किया, अपना पत्नी को त्याग दिया, बेस्या को साथ में रहा, हैं, बेस्या को साथ में रहा, उसको हाथों में अमृत कुमेद भोजन किया, गंदी गंदी चीज उसके हाथ में खाना खाया, चोरी गुंडागिरी सारे पाप उसने किया था, लेकिन उसने अपना बेटा का नाम केवल नारायण रख लिया था। केवल उन्होंने मरते समय अपना बेटा को एक बार नारायण बोल दिया था, इससे ही जमदूत आए थे, विष्णुदूत ने आकर के मार मार के भगा दिया, उसको बचा दिया। वाल्मीकि हर तरह का पाप किया, हर तरह का पाप किया। जब नारद बोले बोले राम, उसका मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो, बोला हाँ ये तो बोल सकते, ये तो बोल सकता हूँ। इसलिए कहते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। उसने मरा मरा करते 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 कितने बड़े विद्वान ब्रह्म समान बन गए, राम आने से पहले रामायण लिख दी। इसलिए कहते तुम्हारी जो कथा है, जितने तरह का कर्म बंधन है, सारे कर्म बंधन को तुम्हारी कथा नष्ट कर सकता है। लेकिन जो स्वर्ग में जो देवता लोग रहते हैं, लेकिन वो जो अमृत को पान करते हैं, हैं? वो जो अमृत को पान करते हैं, कहते नहीं, वो अमृत पीने से तुम्हारी जो कामना वासना बढ़ता है, संसार की भोग की वासना बढ़ता है, शरीर में उन्माद आता है, हैं? शरीर में तुम्हारी उन्माद आता है, वो स्वर्ग अमृत को पान करने से। लेकिन कथा अमृत को पान करने से कर्म बंधन नष्ट होता है, स्वर्ग अमृत पान करने से कर्म बंधन बढ़ता है। इसलिए तुम्हारी जो कथा है, बोले श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से ही तुम्हारी कथा मंगल करने वाले हैं। लेकिन जैसे तुम लोग आ गए यहाँ पर बैठ गए, कथा सुनने लग गई, बात हो गया, मंगल ही हो गया। लेकिन स्वर्ग अमृत पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जगत में वही स्वर्ग में जा सकते हैं जिसने बहुत पुण्य इकट्ठे किए हैं। लेकिन कथा मृत को पान करने के लिए बस घर में आए बैठ गए, कथा सुनना शुरू कर दिया, किसी चीज की जरूरत नहीं, बैठ गए और भगवान की कथा सुनना शुरू कर दिया, हैं, कथा सुनना शुरू कर दिया। कहते श्री मदाततम, कहते तुम्हारी जो कथा सुनते हैं ना, क्या होता है वो सुशांत, कथा सुनने से क्या होता है, मन को बड़ा शांति मिलता है, मन को बड़ी अच्छी लगती है मन को कथा, और जीवन को ना बड़ा सुंदर बना देता है, बड़ा स्मूथ जीवन को बना देता है जो भगवान की कथा सुनते हैं। लेकिन अगर स्वर्ग का अमृत कोई पान करना, उसके अंदर में घमंड मादक उन्माद आ जाता है, हैं, उसके अंदर में
लेकिन कथा में तो वो नहीं करता, सुशांत बना देता है। और जरा दान करे कि जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, कोई स्कूल खोल दे, कोई कॉलेज खोल दे, कोई अन्न छत्र खोल दे, हैं, जगत में बहुत बड़े बड़े दान है, बड़ा बड़ा दान है। लेकिन गोपियां कहते हैं लेकिन जगत में सबसे बड़ा दान क्या है, ये जगत में सबसे बड़ा दान है श्याम सुंदर, तुम्हारी कथाओं को जो दान, क्योंकि तुम्हारी जो कथा सुनेगा ना वो क्या करेगा, भगवान की भजन करेगा। जो भगवान की भजन करेगा जीवन में शांति सुख मिलेगा, और जो भगवान की भजन करेगा है तो भगवान को पास में, ठाकुर जी को पास में चले जाएगा। जब तक भगवान की कोई भक्ति भजन नहीं करे तब तक उसको यही 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष्य योनि में उसको भटकना पड़ता है। इसलिए तुम्हारी कथा जो सुनाते है ना, कथा नहीं कि तुमको जीवन देते है, उसको जीवन देते है। इसलिए हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो संसार में मारे मारे भटक रहे थे, दुखी 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 हो रहे थे, लेकिन जब से प्रभु का भक्ति में आ गए ना, प्रभु का भजन में आ गए, हमको तो अभी बड़ा शांति मिलता है जीवन में, हमें बड़ा शांति जीवन में, बड़ा आनंद मिलता है। अभी है, अभी वो जीवन नहीं, अभी हमें दिव्य जीवन की प्राप्ति हुई है। इसलिए श्री सार्वभौम भट्टाचार्य इतने बड़े ज्ञानी थे, वो कहते हैं पहले मैं कौवा था, का 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 करता था। कौवा की जो आवाज है ना बड़ा कर्कश आवाज है, बड़े कान को दर्द। कहते हे प्रभु, कहते आप तो कौवा को कोयल बना दिया, कोयल की आवाज यहाँ होती है, कोयल यहाँ है। हाँ, जब बसंत ऋतु में कोयल जब कूकती है, कूहो कितने मीठी आवाज है। मैं पहले कौवा था, का 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 का, भगवान निराकार निर्विशेष ज्योति का करता था, लेकिन आप तो मेरे को भक्त बना दिया, अभी तो भगवान की प्रेम रस को मैं आस्वादन करता हूँ। पहले मैं कौवा था, पहले क्या खाता था, बोले नीम फल, नीम फल बड़ा कड़वा होता है ना, नीम फल खाता था, अभी तो आपने मेरे को कोयल बना दिया, अभी मैं क्या खाता हूँ, अभी आम का मधु है, आम का फूल में जो मधु है ना, मधु को मैं पान करता हूँ। वो कहते पहले मैं कौवा था, लेकिन आप कृपा करके कौवा को आपने गरुड़ बना दिया, हैं, गरुड़ बना दिया, भगवान की हमें अपना भक्त भक्त बना दिया है। इसलिए दान करी पूर्ण संचय करी आचे बोलिया सकल कथा में, कहते भगवत कथा को कौन दान करता है, कहते भगवत कथा को सभी नहीं दान कर सकते, भगवत कथा को सभी नहीं दे सकते। बोले भगवत कथा को वही दान कर सकते हैं पूर्व जन्म में जिसने बहुत पुण्य संचय किया, पूर्व जन्म में जिसने अनेक सुकृत संचय किया, तभी वही व्यक्ति भगवत कथा को दान करते हैं। क्योंकि जो भगवत कथा को श्रवण करते हैं उनका भी कल्याण होता है, अपना भी कल्याण होता है, दूसरों को कल्याण तभी होता है जब दूसरों को भगवान की कथा कोई प्रदान करे। यहाँ पर गोपियां कहती है श्याम सुंदर, जब तुम्हारी कथा को जो दान करते हैं उसका जब इतना महत्व है, लेकिन जो तुम्हारी दर्शन करे, जो तुम्हारे दर्शन करे, कहते वो लोग हैं, इसलिए कितने सौभाग्यवान, जब तुम्हारी कथा की इतनी महिमा हो सकती है, लेकिन तेरा जो दर्शन कितने, हाँ कितने महत्व नहीं होता। इसलिए हे श्याम सुंदर, कृपा करके तुम्हारी विरह में हम तड़पड़ा रहे हैं, इसलिए आपका विरह में हम तड़पड़ा रहे हैं, आप कृपा करके क्या करो, हमें दर्शन प्रदान करो, हमें अपना दर्शन दो। कहते ये एक अर्थ हो गया, भगवान कथा की कितना महत्व है ये एक अर्थ हो गया है। कहते अभी श्री जीव गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी इसको बारे में और कुछ कुछ बात बोलते हैं, उसको हम सुनेंगे। तो जीव गोस्वामी कह रहे हैं अगर गोपियों को प्रश्न करे, तुम लोग कृष्ण विरह में क्यों मर नहीं रहे, अगर कृष्ण तुमको छोड़कर चले गए रास से, जब रास छोड़कर चले गए, अभी तुम कृष्ण विरह में दुखी हो, देखना ज्यादा कभी को दुख दुखी दुखी हो ना,
चिंता चिंता में शरीर छोड़ देते हैं। और कृष्ण विरह तो बड़ा जहर है। यहाँ पर कह रहे हैं अगर कृष्ण प्रश्न करेंगे फिर मेरे विरह में तुम क्यों शरीर नहीं छोड़ देते हो, शरीर छोड़ दो ना। उसको आशंका करके ब्रज देवियां गोपियां कह रही हैं, कहते हैं कहते इसलिए हम नहीं मर रहे हैं, नहीं मरने का कारण है हैं, इसलिए तुम्हारी जो कथा मृत को पान कर लिया ना, इसलिए तुम्हारा जो कथा मृत क्या है वो अमृत है और जो पिएगा वो मरेगा नहीं, इसलिए हम नहीं मर रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारी कथा मृत को हमने पान कर लिया है। इसलिए कथा क्योंकि तुम्हारी जो कथा वो अमृत है, वो अमर को देने वाली तुम्हारी कथा फल स्वरूप। दूसरा कहते तप्त जीवनम, तुम्हारी कथा सुनने से क्या होता है, बोले जो तप्त जीवनम, संसार में कोई तन से दुख, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई काम से दुखी, जो संसार में तप्त जीवनम, संसार में सबके सब संसार में दुखी है, जरा संसार दुखी तादर दुख तरह। इसलिए लेकिन तुम्हारी जो कथा श्रवण करते हैं संसार का दुख से तो अपने आप निकल जाते हैं। जो भगवान कथा सुनेंगे ना कहते संसार का जो दुख है वो तो अपने आप दूर हो ही जाता है, लेकिन उसको बाद में तुम्हारी जो विरह में है, तुम्हारी जो विरह है, अगर तुम्हारी विरह अवस्था में जब तुम्हारी कोई कथा श्रवण करे ना, कहते हैं तुम्हारी विरह से भी दूर कर देता है, हैं? क्योंकि जो कृष्ण कथा है, जो कृष्ण कथा है वो कृष्ण स्वयं है। इसलिए भगवान कहते हैं मद भक्ता जत्र गायते तत्र तिष्ठा नारद, बोले नारद मैं वहीं पर रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त मेरी कथा करते हैं। अब देखना जैसे थोड़ी समय भगवान का कीर्तन कर लो, भगवान की कथा कर लो ना, देखना मन में शांति मिल जाती है, क्योंकि जो कृष्ण कथा है वो साक्षात कृष्ण स्वरूप ही कृष्ण कथा है, हैं? कृष्ण कथा है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जरा विरह ताप किरण कतादर मृत्यु पर जन्त अंतर दशा आए तो जीवन रचा करे रुद्राम सकल जीवन स्वरूप। कहते जो अंतर दशा मतलब होता है कृष्ण चिंता करते 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 जब संपूर्ण रूप में है कृष्ण विरह में एकदम बेहोश जब हो जाता है, अंतर दशा मतलब कृष्ण विरह में एकदम जब बेहोश हो जाते हैं कृष्ण विरह में, लेकिन उसी समय में जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु उन्होंने कृष्ण विरह में राधा रानी के भाव में महाप्रभु उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दिया। जब समुद्र में छलांग लगा दिया सिर्फ बहते 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 चक्र तीर्थ में एक जेली ने जाल डाला मछली पकड़ने के लिए, जब समुद्र में जाल फेंका जब उन्होंने उसको निकाला ना उसमें महाप्रभु आए, और जैसे महाप्रभु जैसे कछुआ बन गए थे, जैसे कछुआ है ऐसे हाथ प्यार विरह में कृष्ण विरह में हाथ प्यार अंदर में चला गया था। जब आए इतने में महाप्रभु का जो भक्त लोग है ना वो ढूंढ रहे हैं महाप्रभु का, महाप्रभु का, महाप्रभु दिख नहीं रहे, स्वरूप दामोदर राय रामानंद ये सब ढूंढ रहे, ढूंढते ढूंढते जब उन्होंने उधर ढूंढने के लिए गए तब महाप्रभु समुद्र में छलांग लगा देते, समुद्र किनारे में जो ढूंढ रहे थे ना इतने में हटा देगा कि मछुआरा जो मछली की पकड़ता है वो बोल रहा है बोले महाप्रभु को निकाले, महाप्रभु महाभाव अवस्था में थे, वो जेली का जो जाल है ना वो जाल का केवल स्पर्श हो गया तो इसके अंदर में भी कृष्ण भक्ति का संचार हो गया, जाल को स्पर्श किया जब उसको निकाले उसने सही किया है हाँ, और अंदर से ऐसे ऐसे आवाज आ रहा था, ऐसे भयंकर आवाज आ रही थी क्योंकि राधा रानी कृष्ण विरह में राधा रानी का ही अवस्था है महाभाव अवस्था है। इतने में उसने बोल रहा था वो भूत है यहाँ पर एक भूत है हाँ? हरी बोल भूत भूत स्वरूप दामोदर समझ गए दाल में कुछ काला है क्योंकि जो हरी बोल करोगे भगवान के नाम लोगे भूत भाग जाता है, वो भूत नहीं रहता है भगवान के नाम सुन लेते भूत भाग जाता है, लेकिन ये कहता है भूत भूत हरी बोल हरे कृष्ण, बोले भैया ये कौन सा उल्टा भूत है
ये भूत भूत हरि बोल हरे कृष्ण कहता है। तो समझ बोले कहाँ भूत, लाओ दिखा दे भूत, देखो वो क्या है, हैं वो देखो ही क्या है। महाप्रभु तो राधा जी के साथ में विवाद तो होकर के मुंह से झांक निकल रहा था। हाँ, इतने में फिर भक्त लोग ने वहां पर मिलकर के कीर्तन किया है। हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब सब मिलकर कीर्तन किया ना, कीर्तन करते 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 राधा रानी जो महाभाव में राधा रानी जो हाँ जो अवस्था थी, धीरे 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 महाप्रभु का जो हार प्यार धीरे 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 निकला, हाँ धीरे धीरे निकला। फिर तो महाप्रभु उठ करके फिर खड़े होकर के महाप्रभु नृत्य करने लग गए, हरी बोल हरी बोल हरी बोल करके महाप्रभु नाचने लग गए। तब तब श्री महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं बोले मेरे को तुम लोग क्यों बुलाया, मैं तो राधा कुंड में, मैं राधा कुंड में थी। महाप्रभु मंजरी भाव से ना, महाप्रभु बोले राधा कुंड में गई थी और मैंने राधा कृष्ण का जल विहार दर्शन कर रहा था। राधा कृष्ण कैसे जल में जल विहार कैसे कर, मैं वहाँ दर्शन कर रहा था और मेरे को वहाँ से तुमने किस लिए बुलाया, मैं तो वहाँ पर आनंद में राधा कृष्ण का लीला में दर्शन कर रहा था, मेरे को वहाँ से क्यों बुलाया। इसका मतलब है जो कीर्तन है ना, वो कीर्तन को कह रहे जो संपूर्ण कृष्ण चिंता में कोई अंतर दशा में चले जाए, मतलब बेहोश अवस्था में अंतर दशा में चले जाए लीला स्थिति में, उसी समय में भी जो कृष्ण कथा है कहते उसी समय भी कृष्ण कथा उनको आनंद प्रदान करता है, हाँ कृष्ण कथा उनको जगा देती है। कहते मृत्यु तो सुतराम सकल ही जीवन, कहते ये सबको जीवन प्रदान करते हैं, साधारण व्यक्ति को भी जीवन प्रदान करते हैं, अंतर दशा भक्ति को भी प्रदान करते हैं। तो तुम्हारी जो कथा है बोले कभी भी रीडितम, बोले तुम्हारी जो कथा है ना बड़े बड़े कवि लोग तुम्हारी कथाओं को गान करते हैं। बोले बड़े बड़े कवि कौन कान करते हैं, कहते ब्रह्मादि, हाँ ब्रह्मा भी तुम्हारी कथा को ब्रह्मा भी गान करते हैं। इसलिए जैसे ब्रह्म स्तुति में, ब्रह्म स्तुति में जैसे ब्रह्मा जी कथा को गान करते हैं, ब्रह्मा जी की भगवान की वंदना कर रहे हैं, हाँ ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, ब्रह्मा भी भगवान को स्तुति करते हैं। बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, ब्रह्मा भी स्तुति करते हैं भगवान है। बोले नव मिड्डत अभ्र बभुषे तड़ितंबराय गुंजावतंस परिपीच लसत, उनका ब्रह्मा भी तुम्हारी कथाओं को ब्रह्मा भी गान करते हैं वंदना करते हैं, और तुम्हारी कथा को इंद्र भी गान करता है, तुम्हारी कथा का शंकर भी पंचमुख राम नाम गान के बुरारी, शंकर भी तुम्हारी कथा को भागवत कथा कौन किसको सुनाए, शंकर जी माता पार्वती को अमरनाथ में ही अमर कथा सुनाए, शंकर भी तुम्हारी कथाओं को दिन रात शंकर जी जो रामायण जितने पुराण है शंकर जी बोलते हैं, माता पार्वती बैठ करके कथा सुनती हैं। इसलिए कहते शंकर भी हैं, इसलिए इस सब के सब ब्रह्मासी चतुसर, और कहते यहाँ तक भी
जो आत्मा में रमण करने वाले, कल सुन रहे थे ना श्री सुखदेव गोस्वामी, पहले वो ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन जब उन्होंने केवल एक श्लोक कृष्ण की सुंदरता को सुने, महिमा सुने, सब छोड़ करके वापस आए और पूरी उन्होंने भागवत कथा सुने व्यासदेव से, और परीक्षित महाराज को उन्होंने ये पूरी भागवत परीक्षित महाराज को सुना, इसलिए कहते तुम्हारी कथा को कभी भी बड़े बड़े कवि लोग भी तुम्हारी कथाओं को गान करते हैं, हैं? कहते तुम्हारी जो कथा है ना, हैं? कहते हैं तुम्हारी जो कथा, जो आत्मा में जो रमण करने वाले चतुसर, हैं? ये चतुसर जो पहले आत्मा में रमण करते थे, लेकिन पूर्वन अहितों की भक्ति इतना भूत गुनारी, कहते भगवान की जो कथा की इतने महिमा, जो आत्मा में रमण करने वाले जो चतुसन जैसे जब ये कथा को श्रवण करते हैं, तो सबको छोड़ करके कुर्बन आहितों की भक्ति, वो भी तुम्हारी भक्ति, वो भी तुम्हारी कथा को बोलने लग जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी कथा में इतने आनंद, तुम्हारी कथा में इतने रस है, अच्छे बोले कभी भी रीडितम, कहते जो रीडितम जो शब्द है सुचित, तो तुम्हारी जो कथा है कवि को द्वारा गाया जाती है, मतलब एक बार क्या गाया तो बोले नहीं, कवि लोग तो नित्य निरंतर तुम्हारी कथाओं को गान करते हैं, हर समय गान करते रहते हैं, हैं? ब्रजवासी कर जरा वर्णन ना करे कई बार तो, यहाँ पर कहते कभी भी, बोले भैया जगत में कवि लोग तो गाते हैं, लेकिन जगत में सबसे बड़े कवि कौन है, जगत में भगवान की गुणगान करने वाले सबसे बड़े कवि कौन है, जगत में सबसे बड़े कवि ये ब्रजवासी, कहते कृष्ण का जो सखा लोग है, जो मैया जसोदा है, ब्रज गोपियां का सबसे बड़े कवि है वही लोग है, उन लोगों ने जो भगवान की कथा गाए है, जो ब्रजवासी लोग जो भगवान की कथा गाए, उन लोग कहाँ से सुने, अभी जो हम कथा सुना रहे कहाँ से सुने, अपना पेट से निकालेंगे, ये कथा को कौन गाए, बोले कि ब्रजवासी लोगों ने, कृष्ण को कौन दर्शन करते हैं, सखा लोग सखी लोग, माँ जसोदा, जैसे मैया जसोदा सवेरे उठ करके क्या करती हैं, बोले गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो दर माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, हे कृष्ण हे जा दब हे सखेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, इसलिए मैया जसोदा सवेरे सवेरे उठ जाती है, उठकर क्या करती है, हाथ में दधी मंथन करती है, बोले जानी जानी गीतानी तदबाल चरितानी च, दधी निर्मंथन काले गायन्ति तान गायत, भैया जसोदा क्या कर सबर सबर उठ जाती है, उठ करके बोले जानी जानी गीतानी, अभी तक कृष्णा जो जो लीला किया है, कृष्ण बचपन में कैसे पुतना कुमारी अनासुर कुमारी सकलासुर कुमारी, कैसे कृष्ण मीठे मीठे मक्खन चोरी करते हैं, मैया जसोदा हाथ दधि मंथन करती है, बस वो कीर्तन को बना बना करके कृष्ण कैसे सवेरे उठ करके नटखट करते हैं, कैसे दूध मांगते हैं, कैसे मक्खन के लिए मचलते, बस मैया जसोदा दधि मंथन करती है, उधर कृष्ण की गान करती है, गोपियाँ क्या करती हैं, गोपियाँ भी आपस आपस में जो बेड़ीभूत में वर्णना किया है ना, गोपियाँ कैसे आपस आपस में बैठी हुई और अपना घर में बैठी हुई और अपना दिव्य भाव से कहाँ पहुँच गए, कृष्णा जो गोचारण कर रहे हैं वहाँ पहुँच गए, पहुँच करके मन में बोले बरहा पीड़म नटवर बपू कर नयो कर्णिकारम विभ्रत वास कनक कभिषयम वैजयंती चमालम रंध्रान बेनुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तत गीत गति, गोपियां बैठी बैठी करके कृष्ण लीलाओं को दर्शन कर दिव्य चक्षु से दर्शन करते हुए वास बैठी बैठी गान कर रहे हैं,
कि जगत में अगर कोई धन्य है ना, बोले वृंदावन सखी हुआ बितनी तो कीर्ति, जात देवग सुत पदा भोज लक्ष्मी राग लक्ष्मी। देखो वृंदावन की कितनी सौभाग्य, जो चरण को पाने के लिए लक्ष्मी कितने कठोर तपस्या कर रहे हैं, आज उसी दुर्लभ चरण को कृष्ण कैसे सर्वत्र, हाँ वृंदावन के गैया को पीछे 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 चल रहे हैं, सखाओं को पीछे पीछे चल रहे हैं, और कृष्ण का चरण जब पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, पृथ्वी में हाँ कृष्ण जब चलते हैं ना, कृष्ण का जो चरण में जो चिन्ह है ध्वज वज्र अंकुश पताका, ये पृथ्वी के ऊपर पड़ जाती है। अब पृथ्वी अपना बक्ष स्थल के ऊपर में, छाती के ऊपर में जब कृष्ण का चरण चिन्ह को धारण करती है, प्रसन्न हो जाती है, हम कृष्ण भाग गए, हाँ मेरी बक्ष स्थल के ऊपर में कृष्ण का चरण का छाप पड़ रहा है, मेरे बक्ष स्थल के ऊपर में कृष्ण का चरण का छाप पड़ रहा है, इसलिए पृथ्वी बड़ी खुश हो जाती है। कहते तो उसमें जो घास, बोले घास नहीं, बोले तब उनके रोंगटे खड़े हुए हैं, कहते तो उसमें जो झरना, बोले झरना नहीं, बोले उनका आख